बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2018 के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पास किया गया जिसमें SC ST एक्ट को अप्रभावी कर दिया गया, और जब हमारे अधिकार छीनने शुरू हुए तो SC ST के लोगों में इसमें भारी मात्रा में रोष हुआ और 2 अप्रैल में भारत बंद का आह्वान किया गया। 2 अप्रैल को जब SC ST के लोगों ने भारत बंद किया तो वो एक शांतिपूर्ण तरीके से किया, उसमें कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने दंगा भड़काने के लिए शामिल हुए हमारे आंदोलन में और उसे हिंसा का रूप दे दिया। आगजनी हुई, जगह जगह पर मारपीट हुई। उसका उल्टा ये हुआ कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे फायरिंग में, उन्हीं के लोग मर गए, उन्हीं के लोग शहीद हो गए और उन लोगों को टारगेट करके जेल में बंद कर दिया गया। और जगह जगह पर हमारे समाज के युवाओं के ऊपर, पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट करके जेल में बंद किया और रासुका लगा दी गई। तो उसी के विरोध में आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला मुजफ्फरनगर कार्यालय पर बुलाई गई है, इसमें कल 13 तारीख में चंद्रशेखर आजाद जी जो भीम आर्मी के संस्थापक है वो जेल में मुलाकात करने के लिए बड़े भाई ओंकार बावरा से मिले और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि 1 दिसंबर से देशव्यापी आंदोलन, 2 अप्रैल के जो बेगुनाह साथी जेल में बंद है उनकी रिहाई और रासुका हटाए जाने के लिए और उनके मुकदमे वापस लेने के लिए 1 दिसंबर से मुजफ्फरनगर से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जो मुजफ्फरनगर से होकर के पूरे देश में जगह जगह पर अपने ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी उसका विरोध करेगी। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारे निर्दोष साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक भीम आर्मी आंदोलन करती रहेगी। मैं आपको अपना परिचय दूं जी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम राजन गौतम और मैं सहारनपुर भीम आर्मी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सदस्य हूं। क्या मामला है, किस बात को लेकर प्रेस वार्ता की? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां जिला मुजफ्फरनगर कार्यालय पर बुलाई गई है वो उसका एक मेन उद्देश्य है कि कल 13 तारीख में जेल में मुलाकात करने के लिए भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी आए थे और मुलाकात के दौरान कुछ बातें उनकी हुई। जिला अध्यक्ष उपकार बावरा, विकास मेडियन अर्जुन गौतम, उन लोगों से कुछ बातें हुई तो उसका निष्कर्ष निकल के आया कि 1 दिसंबर से हम लोग देशव्यापी आंदोलन, जो 2 अप्रैल में हमारे निर्दोष साथी जेल में बंद है जिनके ऊपर रासुका लगी, जो साथी शहीद हुए उनको न्याय दिलाने के लिए 1 दिसंबर से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिला मुजफ्फरनगर से इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। किस तरह का आंदोलन होगा ये आंदोलन? सिर्फ जिला प्रशासन और शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से कि पूरे मामले की, 2 अप्रैल के पूरे मामले की जांच की जाए और निर्दोष जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए तुरंत, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो उपद्रवी लोग थे जिन्होंने वो दंगा भड़काया, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक तो पूरा मामला संदिग्ध है, कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया। बदले में हमारे SC ST के लोगों को ही जेल में बंद कर दिया गया था। उसी के विरोध में सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से हम पूरे देश भर में एक आंदोलन चला रहे हैं, वो हर जिले, हर शहर, हर जगह से लगेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता। 2 अप्रैल में भी आपने आंदोलन किया था, क्या इसी तरह का आंदोलन होगा? नहीं, 2 अप्रैल में जो हमने आंदोलन किया था वो शांतिपूर्ण आंदोलन था और हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम जो हमारे अधिकार छीने थे हम उन्हें वापस पा सके, और हुआ भी ऐसा ही कि SC ST एक्ट को जो है अप्रभावी कर दिया गया था, सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलाना पड़ा कि उसे फिर से लागू कर दिया गया। तो इस तरह का कोई आंदोलन नहीं होने वाला, कोई भारत बंद नहीं होने वाला, किसी की दुकान बंद नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा, आम आदमी को या सरकारी किसी संपत्ति को भीम आर्मी की तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा मेन उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना है, शिक्षा की ओर लेकर जाना है और नशाखोरी से दूर करना है। कब तक चलेगा यह आंदोलन? जब तक जेल में बंद 2 अप्रैल के मामले में सभी साथियों को न्याय नहीं मिल जाता और रासुका हटाकर उनको तुरंत रिहा नहीं किया जाता, तब तक भीम आर्मी का यह आंदोलन जारी रहेगा।